प्रणाम। जिसने बॉल के साथ छेड़खानी की उसे क्रिकेट छोड़ना पड़ा, जिसने बैंक के साथ छेड़खानी की उन सबको देश छोड़ना पड़ा। फायर ब्रिगेड में काम करते हो वे भी फायर से छेड़खानी नहीं करते। इतना समझदार इंसान जब खुद को खुदा मानने लगा तब अहंकार को चकनाचूर करने प्रकृति को रौद्र रूप दिखाना पड़ा। जब बेटा गलत आदतों में फंस जाए माँ के प्यार से समझाने पे भी ना समझे तो माँ को रौद्र रूप धारण करना पड़ता है। कई बार प्रकृति ने भी प्यार से समझाने की कोशिश की, जैसे धरती कंपलाया, सुनामी आया, ग्लोबल वार्मिंग, पर जब लातों के भूत बातों से नहीं माने तब लात खाने की तैयारी कर लेनी चाहिए। और वही हुआ। पूरा विश्व भविष्य की पीढ़ी को सलामत रखने के सपने देख रहा था, तब कुदरत ने आंख खोल के वास्तविक दुनिया दिखाई। पहले तुम्हारा वर्तमान तो सलामत करो, फिर भविष्य होगा तो उसकी चिंता करना। कोरोना इंसान के लिए महामारी जरूर है, पर प्रकृति के लिए वरदान साबित हुआ है। कल मुंबई में मोर अपनी पंख फैलाते नजर आया, हिरन नेशनल पार्क में मौज से घूम रहे हैं। जो सिर्फ क्लीन वाटर में दिखते हैं ऐसी डॉल्फिन भी मरीन ड्राइव के समंदर में दिखने मिली। वातावरण में हवा शुद्ध हो गई। पूरा विश्व, देश, शहर, गांव, रस्ते सभी सिर्फ साफ सुथरे नहीं बल्कि रोग जंतु से भी मुक्त हो गए। और ये लॉकडाउन के बाद ये स्वच्छता को अगर हमने बिगाड़ा ना तो हमसे बड़ा बेवकूफ खुद के पैरों पे कुहाड़ी मारने वाला और कोई नहीं होगा। ये तो बात हुई शरीर की, अब बात करते हैं स्वयं की। इन दिनों में समझ आ ही गया होगा, पैसा, पावर, पत्नी से ज्यादा कीमती है अपनी जान। ये है स्वार्थ की भाषा। पर यदि इस क्वारंटाइन के बाद कुछ नया सीख के एक नए जोश के साथ मुसीबतों की चाबी के साथ यदि हम बाहर नहीं निकलते तो याद रखना, जो हम कहते हैं ना कि यार टाइम नहीं था, नहीं तो मैं कहां से कहां पहुंच जाता, वो समझ लेना आज टाइम बहुत था और है भी, बस हमने आलस में नहीं गवाया। उसका सही अगर इस्तेमाल नहीं किया तो ये टाइम जो मिला है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी वापिस कभी नहीं मिलेगी। अब तक हमने पुण्य बढ़ाने की बात की थी। आपको पता है लॉकडाउन तो 15 तारीख तक हो ही जाएगा, पर जब लॉकडाउन बंद भी होगा ना तो कई सारे हम पर बंधन लगेंगे। वो तो कल 9 बजे प्रधानमंत्री के मीटिंग में हम सुन ही लेंगे। बस वैसे ही अब तक हमने भले कितना पुण्य कमाया हो पर लॉकडाउन के बाद भी हमें उस बंधन में रहना है, हमें उपयोग में रहना है। जैसे हम कैसे हम अभी इतनी गर्मी में भी एसी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं कोरोना के डर से, हम नीचे नहीं उतर रहे इसलिए व्हीकल्स यूज नहीं हो रहे हैं, हमारे लिफ्ट भी बंद है और कई सारे जीवों की विराधना से हम अटक रहे हैं। बस वैसे ही अभी भी और क्वारंटाइन के बाद भी जब जब पाप करना पड़े ना तो उपयोग करना। देखना, यदि मैं हॉल में बैठा हूँ तो मेरी वजह से बेडरूम में बैठे मेरे फैन और लाइट की जैना करूँ, उतनी विराधना से बचूँ। बस ऐसे छोटे छोटे पापों से हम बचेंगे ना तो ऑटोमेटिक पुण्य का भंडार बढ़ते जाएगा। विराधना कम से कम हो, बस यही उपयोग के साथ हमें हमारी आत्मा की चिंता करनी है। घर, परिवार, समाज सबकी जवाबदारी बहुत निभा ली, बस अभी आत्मा की ओर एक नजर डालनी है। दलगुना कॉफी बनाकर पीने के ट्रेंड में जो अपनी जीवा पे कंट्रोल लाकर तप करके कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं, उन सभी तपस्वियों को वंदन करते हैं। आप सभी शाता में होंगे, यही आशा के साथ आज के इस ऑडियो को विराम देते हैं। कल अवश्य मिलेंगे।